एनआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन के विरुद्ध डीएमके के जहर उगलने का उठाया मुद्दा। बोले, डीएमके के विरुद्ध लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कांग्रेस से किया प्रश्न, डीएमके से आपने हाथ क्यों मिलाया? सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा। डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। आज फिर मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। केरल के त्रिशूर में पीएम ने की है भव्य रैली। पीएम मोदी ने साउथ से बुलेट ट्रेन का वादा किया, कहा इसके लिए बहुत जल्द हम सर्वे का काम शुरू कर देंगे। आगे चल करके नॉर्थ साउथ ईस्ट तीन क्षेत्रों में बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे काम शुरू कर दिया जाएगा। बिहार के औरंगाबाद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की, कहा मोदी की गारंटी का मतलब यूपी बिहार के उत्थान की गारंटी। सीएम योगी ने बिहार में आरजेडी शासन के हुंडा राज का उठाया मुद्दा। बोले, यूपी में हुंडों का कैसा होता है इलाज आपको पता है, उल्टा लटकाकर मिर्च की दी जाती है तो जान बख्शने के लिए हुंडे गले में पट्टी लटकाकर चलते हैं। के साथ कोई छेड़छाड़ करता है कोई इसके लिए हम लोग आए हैं करता है उल्टा लटका दिया जाता है उसको, नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो बस। तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेता ने कहा कि बीजेपी के नेता खुलेआम मंच से करते हैं संविधान बदलने के बाद पीएम मोदी की खामोशी इस पर लगाती है सहमति की मुहर। बिहार में पीएम मोदी की रैलियों पर बोले तेजस्वी, मोदी जी की रैलियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मोदी जी की हम बात ही नहीं करते भाई। मोदी जी 10 करे 15 करे 20 करे या ना करे, देश को क्या दिया उन्होंने, बर्बाद कर दिया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से नहीं मिली राहत। पेशी पर सुनवाई के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ा दी हिरासत। केजरीवाल के वकील ने उनकी गिरती सेहत का उठाया मुद्दा, सुनवाई होना भी बाकी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिलने पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। भगवंत मान की आंखों में आ गए आंसू। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की। ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अदालत में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उल्लेख, अगर मुकदमा धीमी गति से चलता है तो सिसोदिया जमानत के लिए दायर कर सकते हैं याचिका। तिहाड़ में बंद दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार को लेकर नहीं दी राहत, फिलहाल नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से भी जवाब मांगा है, 29 अप्रैल तक ईडी को जवाब देने को कहा है। शराब घोटाला केस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को नहीं मिली राहत, राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए 23 अप्रैल तक बढ़ाई हिरासत। त्रिपुरा के अगरतला में रैली के दौरान अमित शाह ने घुसपैठ का उठाया मुद्दा। बोले, कांग्रेस और वामपंथियों ने होने दी घुसपैठ, पीएम मोदी ने इसे 90% तक रोका, तीसरे कार्यकाल में लगेगा प्रतिबंध। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अनियमितताओं से जुड़ा है मामला।
सुप्रीम कोर्ट के 4, हाई कोर्ट के 17 पूर्व जजों समेत 21 पूर्व जजों की मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी, न्यायपालिका पर बेवजह दबाव बनाने का उल्लेख किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस, छिंदवाड़ा में ली तलाशी, पीए के विरुद्ध आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का आरोप। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज राजस्थान के अलवर में रोड शो किया, उमड़ी जबरदस्त भीड़। जालौर में प्रियंका ने मोदी पर साधा निशाना, बोली मोदी जनता के मुद्दों से पूरी तरह भटक चुके हैं। कांग्रेस ने जारी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट, कन्हैया कुमार को दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट सीट से मनोज तिवारी के विरुद्ध उतारा गया। यहां से मनोज तिवारी 2 बार के सांसद हैं। कल चंद्रपुर में सभा के दौरान कन्हैया ने अपनी दिल्ली से उम्मीदवारी पर व्यक्त की पहली प्रतिक्रिया, बोले पिछली बार जब मैं महाराष्ट्र में था तब मुझे पता चला था कि मुझे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया, अब चंद्रपुर में हूं तो उम्मीदवारी की मिली है सूचना। बीच में हूं, मंच पे बैठा हुआ था तो साथी ने बताया कि आपको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर वार कर रहे थे, कन्हैया को गिरिराज ने कहा रिजेक्टेड माल, बोले मनोज तिवारी को दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुंझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ना चाहे लड़ाए। कन्हैया को लेकर आरजेडी का बीजेपी जेडीयू पर पलटवार, मृत्युंजय कुमार ने कन्हैया को बिहार के बजाय दिल्ली टिकट मिलने पर कहा यह किसी पार्टी का निजी निर्णय, बीजेपी जेडीयू के पेट में क्यों हो रहा है दर्द। कौन से दल का कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा ये उस दल का मामला है, बीजेपी जेडीयू को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। यूपी बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी, पार्टी ने इसे कारपेट बॉम्बिंग का नाम दिया। हैदराबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, पार्टी प्रभारियों समेत तेलंगाना कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, हैदराबाद करीमनगर खम्मम के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। आरजेडी ने अपने 23वें उम्मीदवार के नाम पर लगाई मुहर, सिवान लोकसभा सीट के लिए अवध बिहारी चौधरी को बनाया उम्मीदवार। तो होगा लेकिन हम बढ़े कहां, अमीर संख्या बढ़ जा रही है दुनिया में। बीजेपी के घोषणा पत्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव का व्यंग, सिंहदेव बोली मोदी इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि हमारे पास आ जाइए, जांच एजेंसी से आप सुरक्षित रहेंगे। सीतारमन जी के पति जो काफी जाने माने अर्थशास्त्री माने जाते हैं वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला निरूपित वो कर रहे हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद का दावा, इस बार लोकसभा चुनाव में लोगों को चौंका देगी बीएसपी, बीएसपी को बीजेपी की बी टीम मानने से आकाश का इनकार, बोले मेरे उम्मीदवार सबसे अधिक बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। आकाश आनंद ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार किया है, युवाओं के मुद्दे पर अखिलेश और राहुल का उल्लेख करके उनका मजाक उड़ाया, कहा अगर ये युवा हैं तो मैं क्या हूं। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, अकेले ही लड़ेंगे और जैसा समय आएगा जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन बनेगी तब की तब देखी जाएगी, बहन जी उस चीज़ का उस वक्त सही डिसीजन लेंगी जैसा भी डिसीजन लेंगी। बिहार में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का तेजस्वी पर पलटवार, बोले कांग्रेस और आरजेडी का परिवार से शुरू होता है, राजनीतिक इतिहास भूगोल और परिवार पर ही खत्म हो जाता है। जो इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस और बिहार में वो है आरजेडी, दोनों परिवार का चाहे उनके उस दल के उस गठबंधन के जो लोग हैं वो परिवार से अलग, उनका परिवार से इतिहास भूगोल शुरू होता है, परिवार में ही खत्म हो जाती है। शिवसेना उद्धव नेता संजय राउत ने बीजेपी के चुनावी चंदे को बताया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, कहा 8,000 करोड़ का गोरख धंधा, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी है चोरी।
संजय राउत सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के फाउंडेशन पर उठा रहे थे प्रश्न, रंगदारी वसूलने का बताया इसको जरिया, बोले इस फाउंडेशन के द्वारा बिल्डर ठेकेदारों को किए गए फोन, अब तक 600 करोड़ की वसूली गई रंगदारी। बदायूं में आज नामांकन से पहले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदित्य यादव ने पूजा अर्चना की, समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य को पहली बार मैदान में उतारा। नोएडा में 50 से अधिक दिल्ली एनसीआर के प्रिंसिपल और चेयरमैन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, दिग्गज हस्तियां रही मौजूद। खडीमा में चुनावी रैली के दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से मिले मुख्यमंत्री धामी, चुनावी सॉन्ग के बीच सीएम धामी का अलग अंदाज दिखा। वाराणसी में एसपी मुखिया अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ शर्मनाक हरकत, व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई, आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सिवनी में उम्मीदवार का चुनावी खर्च बचाने के लिए बीजेपी ने चली दिमागी चाल, शिवराज सिंह चौहान की सभा में बैनर पर उम्मीदवार भारती परधी की तस्वीर बीजेपी का झंडा लगाकर छिपा दी। बीजेपी आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में पेश कर रही है मोदी के 10 वर्ष के कामों का लेखा जोखा। सीएम योगी ने मोदी के गारंटी वाले बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा, पीएम मोदी का विजन है हमारा मिशन। 5 लाख रुपए 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की सुविधा, इसको आगे भी जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वासन दे रही है। सीएम योगी बोले, युवा महिला गरीब किसानों को मोदी की गारंटी में प्राथमिकता।